हे गाइस, दिस इज अनमोल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अनमोल 9333। और मैं आया हूँ आज रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर रिव्यू करने के लिए अपने भाई जो ब्रांड न्यू अपने भाई न्यू बुलेट आई है उसका। ये भाई सामने मुझे खड़ा है, दोनों ही बेस मॉडल है पर कलर का डिफरेंस है। आज इन दोनों की बात करेंगे कि भाई कौन सा कलर का भाई क्या प्राइस है और भाई क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, पूरा वॉक अराउंड कराऊंगा आपको। तो बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको भाई दोनों अपनी बुलेट खड़ी है न्यू मॉडल की, ये देख लीजिए आप। ये भाई अपना जो है ये स्टैंडर्ड ब्लैक कलर है और वह भाई मिलिट्री रेड कलर। दोनों में भाई क्या फ़र्क है, दोनों बस कलर का फ़र्क है, बाकी भाई जो थीम है अपना जो रखे गया वो सेम है दोनों। अपना भाई क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ है, पूरी भाई कंप्लीट स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल चेंज हो चुके हैं हर चीज़ में। प्राइसिंग की बात बाद में करेंगे, पहले दोनों बाइकों का भाई लुक्स की बात कर लेते हैं। फ्रंट से जो है अपना भाई कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अपना भाई जो भाई हेडलाइट है, ये भाई यूनिट है, ये आपको लग रही होगी, ये भाई क्लासिक रिबोन सब इंस्पायर है पूरी की पूरी। ये देख लीजिए आप पूरा जो है आगेगा फ्रंट। और भाई मीटर की बात करें, इंक्लूडिंग अपना मीटर जो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भाई जो अपना क्लासिक 350 से है। बहुत सी चीज़ें इसमें भाई क्लासिक 350 से ली गई है, भाई स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल अपना चेंज कर दी जाएगी। दोनों बुलेट की भाई छोटे छोटे से चीज़ों की बात कर लेता हूँ। जो अपनी भाई ये स्टैंडर्ड ब्लैक है, इसमें मिल जाता है आपको डबल डिस्क और इसमें मिलेगा आपको सिंगल डिस्क। ये आप देख जाए तो मैं दिखा देता हूँ, इस साइड मिल जाता है आपको भाई सिंगल डिस्क और भाई बाइबर का ब्रेक मिल जाता है दोनों में ही आपको। टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ, भाई टायर साइज़ दोनों में आपको भाई 190 का मिल जाता है और भाई सीएट के टायर देखने को मिलते हैं। और आगे का जो ये है ना, ये अपना मटकार्ड मिल जाता है आगे वाला, ये भाई आपको भाई मेटल में मिलता है। और दूसरी चीज़ में चेंज क्या है, थोड़ा सा ब्रोड मिल जाता है। पहले वाले स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अपना भाई छोटा आता था, मतलब पतला आता है, इसमें थोड़ा सा ब्रोड मिल जाता है आपको। बाकी भाई टेलीस्कोपिक इसमें आपको भाई फ्रंट फोक मिल जाता है, अपने भाई सस्पेंशन है आगे का जो भाई सोकर बोलते हैं जिनको, मिल जाता है भाई टेलीस्कोपिक। और ये जो इंडिकेटर है ना, ये भी भाई क्लासिक रिबोन से लिए गए हैं। इसमें भाई टॉप मॉडल में जाओगे, ये भाई बेस मॉडल है दोनों ही। अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो तो टॉप मॉडल में आपको मिल जाता है भाई ब्लैक मैट, मैट ब्लैक कलर का मिल जाता है। इसमें पूरा आपको क्रोम मिलेगा और इससे टॉप मॉडल में मिलेगा आपको पूरा कंप्लीटली भाई मैट ब्लैक। ये साइलेंसर है, इंजन है पूरा भाई, इसमें क्रोम की कोटिंग हुई है, पूरा क्रोम है उसमें, मिल जाता है आपको भाई मैट ब्लैक बिल्कुल। इसमें आपको क्रोम देखने को मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा मैट ब्लैक देखने को बिल्कुल। भाई एक मेजर चीज़ की बात कर लेता है, जो भाई मेजर चेंज है उसमें भाई इसमें कैटलेटिक कन्वर्टर नहीं आता, पुराने वाले स्टैंडर्ड में आता था, दोनों में नहीं आता। और इससे जो टॉप वेरियंट है उसमें भी नहीं मिल रहा आपको। बाकी भाई इसमें देख लो भाई सेंसर तो मिल जाता है अपना, दोनों बाइक में मिल जाता है अपना भाई सेंसर। और भाई बाकी क्या क्या चेंज है अपने भाई, बहुत सी चीज़ें इसमें भाई अपने भाई क्लासिक रिबोन से अपने इंस्पायर है। ये जो इंजन है, इंजन में भाई वाले मिल जाता है आपको, जो भाई जे प्लेटफॉर्म पर जो इंस्पायर है पूरा, दोनों मिल जाता है। बस इसमें फ़र्क क्या है, बेस वेरियंट में आपको क्रोम में मिलेगी हर चीज़ इसमें भाई, और टॉप मॉडल में मिलेगी आपको भाई मैट ब्लैक में। और भाई इधर से बात कर लेते हैं फ्रंट से थोड़ी सी, ये देख लो भाई इसके भी की नहीं है, इसके की है दिखा देता हूँ। ये मीटर है, पहले की देख लो आप, की आपको भी मिलेगी भाई, जो भाई अब रॉयल एनफील्ड अपनी हर बाइक में दे रहा है इसमें मिलेगा भाई। ये भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ, ये भाई टोटल आप जो लग रहा होगा भाई अपने भाई क्लासिक रिबोन से इंस्पायर है। जो स्विच वगैरह है सब चीज़ जो भाई अपने क्लासिक रिबोन से इंस्पायर है। हालांकि भाई ये देख लो भाई, ये पूरा का पूरा अपने भाई जो टैंक है, टैंक में जो भाई अब भी जो भाई पेंट है वो भाई हैंड पेंट होता है ये वाला। और इसमें देख लो भाई E20 की अपने बैजिंग मिल जाती है पेट्रोल में। और ये देख लो भाई टैंक जो है इसका, ये वाला भी यहाँ से ओपन होगा भाई ओपनर, ये भी अपना भाई क्लासिक रिबोन से इंस्पायर है। यहाँ पे मिल जाता है आपको भाई अपने रॉयल एनफील्ड की बैजिंग पुराने वाली, ये भाई 3D में मिल जाती है आपको पूरा। और इधर देख लो भाई इंजेक्टर वाला भी इंजन मिलेगा आपको भाई। पावर की बात कर लेते हैं तो भाई 20 BHP की इसमें पावर मिलेगी और 2800 NM का इसमें मिलेगा आपको टोर। बाकी भाई 389 cc का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा। ये भाई इसमें भाई साइलेंसर कुछ लुक ऐसे मिल जाती है आपको। और रियर सर बात करें तो रियर सर आपको भाई क्लासिक रिबोन वाला ही मिलेगा आपको, पूरी भाई चेंज कर दी गई है। हालांकि जो सीट की कंफर्ट है, सीट की कंफर्ट इसमें भाई बढ़ा दी गई है, मोर कंफर्टेबल हो चुके हैं अब लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, क्योंकि पुराने वाले जो स्टैंडर्ड थे वो कंफर्टेबल थे पर थोड़ी सी हार्डनेस थी उसमें। इसमें जो है कुशनिंग ज़्यादा दे दिया तो भाई थोड़ी सी अब ब्रॉड सी भी हो चुकी है, अपने भाई बड़ी सी भी कर दिया सीट को, पहले वाले की यहाँ से थोड़ा सा पतली थी। तो अब जो है भाई कम्फर्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है अपना भाई, रिफाइनमेंट और भाई अपना भाई मतलब इंजन तो पूरा रिफाइंड कर दिया गया। आपको भी साउंड सुनवा देता हूँ एक बार। तो भाई एक बार स्टॉक के अपने भाई नोट्स गियर में पड़ी अपने भाई न्यूट्रल होगी, एक बार मैं सुनवा देता हूँ आपको। ये भाई इसका भाई एग्जॉस्ट नोट है, जो भाई अपना एग्जॉस्ट नोट है, एग्जॉस्ट नोट आपको भाई वही मिलेगा अपना भाई, जो भाई क्लासिक अपने भाई रिबोन में आता था, पूरी कम्प्लीटली अपने भाई चेंज कर दिया अपने भाई। पुराने वाले जो होता, पुराने वाले बात नहीं है, जो भाई नहीं है बिल्कुल कंफर्ट से, जो भाई रॉयल एनफील्ड को भी पता है कि आगे जाके भाई यही चीज़ आने वाली है, इसलिए इसमें से भाई स्टैंडर्ड में से जो मेन चीज़ थी, इसके जो मेन फील देता था वो भाई किक भी हटा दी। अब किक के साथ आपको भाई सेल्फ से मिलेगी, जो भाई दे रही थी कंपनी, हालांकि भी हटा नहीं रही थी अब तक भाई, किक ही आ रही थी स्टैंडर्ड में, सेल्फ नहीं आ रहा था, पर अब आ चुका है सेल्फ।
सो भाई ये देख लो, और भाई बाकी भाई आगे से भाई हेलोजन मिल जाता है आपको भाई। और ये देख लो उसका टैग हेडलैम्प, ये जो है भाई ये मेन है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो भाई बुलेट आती थी अपनी, उसमें भाई लोग क्या करते थे रात को अपने भाई, अब तो BS6 BS4 में अपना भाई लाइटिंग का स्विच नहीं आता, पहले लाइटिंग का स्विच आता था, तो भाई ये वाली लाइट ऑन करके चलाते हैं रात को, जिससे फील होता था कि भाई टाइगर वाली, इसको बोलते हैं भाई टाइगर लैंप, इसलिए इसका नाम टाइगर लैंप है, इसका फील आती थी कि भाई टाइगर आ रहा है सामने से, क्योंकि भाई लगती थी बाइक ऐसी टाइगर जैसी, इसलिए रात को अपना भाई जो पुराने ज़माने के जो बुलेट आते थे उसमें लोग अपना जो था भाई ऐसे चलाते थे, फुल लाइट ऑन नहीं करते थे। तो गाइस एक बार प्राइसिंग बता देता हूँ आपको, बाकी की बात आगे करूँगा, पहले प्राइसिंग बता देता हूँ। प्राइसिंग जो है भाई, प्राइसिंग इसमें जो अपना भाई स्टैंडर्ड ब्लैक है इसकी बात करो बेस मॉडल की, में ये मिल जाता है भाई आपको 1,97,000 कुछ रुपए का, जो अपनी भाई एक्यूरेट वैल्यू होगी 100 रूम बता रहा हूँ मैं आपको, वो मैं डिस्प्ले कर दूँगा, और ये मिल जाता है भाई 1,73,000 कुछ रुपए का, इसके जिसके भी एक्यूरेट होगी वो मैं डिस्प्ले कर दूँगा मैं आपको। अगर आप टॉप मॉडल पर जाओगे भाई, टॉप मॉडल की 100 रूम जो प्राइस है वो मिल जाता है आपको 2,15,000 कुछ रुपए, वो भी मैं डिस्प्ले कर दूँगा आपको। इसमें भाई हैजार्ड लैंप का ऑप्शन मिल जाता है आपको, 4 इंडिकेटर एक साथ भाई इसमें मिल जाता है, और इसमें मिल जाता है टॉप मॉडल मिल जाता है, ये जो स्टैंडर्ड फीचर्स है ये आपको इसमें मिल जाता है। बाकी भाई जो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में आपको भाई अपना जो ये सब चीज़ें क्रोम में दिख रही है ये सारी भाई मैट ब्लैक हो जाएगी। इसमें भाई आगे की बात कर लो, इसमें एलॉय व्हील नहीं आया अभी तक, इसमें भाई स्पोक व्हील ही है अपने। बाकी भाई अपना भाई डबल डिस्क मिल जाता है इसमें बेस वेरिएंट में आपको, और उस कलर में आप जाओगे उस कलर में अपना मिलिट्री ब्लैक है, और वो मिलिट्री रेड है, इसमें ब्लैक भी आता है मिलिट्री ब्लैक, और ये मिलिट्री रेड है, इसमें भाई आपको सिंगल डिस्क मिलेगा। इसमें प्राइसिंग के थोड़े से वो हो गया, इसमें प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है, उसकी प्राइसिंग थोड़ी कम है। बाकी भाई एक चीज़ मुझे दोनों में सही लगी, इसमें भी ये देख लो, ये थोड़ा सा यहाँ से स्टैंडर्ड में जो होता है अपना भाई पूरा कवर आता था यहाँ से, ये थोड़ा सा उठा उठा सा दे दिया यहाँ से, थोड़ा सा खाली लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ एसेसरीज लग सकती है। बाकी भाई रॉयल एनफील्ड आगे कुछ एसेसरीज निकाल लेगी इसको कवर करने के लिए, तो अलग चीज़ है, बाकी फिलहाल तो खाली खाली है। नेक्स्ट टाइम आपको दोनों बाइकें मिलेगी। और भाई सीट की बात, सीट हाइट की बात कर लेते हो तो थोड़ी सी भाई ऊंची तो कर दिया अपनी जो बाइक है, 802 mm की सीट है, सीट हाइट है, मतलब 802 mm की इसमें सीट हाइट है, हालांकि मुझे फील हो रहा है शायद ऐसा ना हो, 802 mm की इसमें सीट हाइट है। और भाई जो अपना भाई चौड़ाई है, मतलब थोड़ा लेंथ है, थोड़ी चौड़ाई का जो लेंथ है वे भी थोड़ी लंबी हो गया इसकी वजह से, क्योंकि इसमें भाई ये एक्स्ट्रा जो अपनी क्लासिक रिबॉन की अपनी भाई ये हेडलाइट वगैरह पीछे की टेल लाइट वगैरह ऐड कर दिया, तो इस वजह से थोड़ी सी भाई लेंथ भी बढ़ गई है अपनी बाइक की। देख लो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है पुराने वाली, और जो नए वाली है उसकी भाई अपनी भाई लेंथ भी बढ़ गई है। ये आप ये है भाई अपनी सेल्फ वाली, अब इसका नाम हो चुका है खाली स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये आती है भाई न्यू बुलेट के नाम से, ये हो चुका भाई अपने सेल्फ वाली स्टैंडर्ड, और जो पुराने वाले थी वो बात नहीं आने की इसमें, पर भाई रॉयल एनफील्ड अपने भाई फ्यूचर के साथ अपना भाई अपग्रेड कर रही है, तो इस वजह से इनको करना पड़ा अपने भाई, किक वगैरह जो होती वो पुराने वाली जो फील थी वो तो कभी आ ही नहीं पाने की इसमें, पर अपना जो भाई इंजन रिफाइनमेंट हो चुका है और भाई स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये सब चीज़ें ऐड ऑन कर दिया कंपनी ने, क्योंकि भाई अपना फ्यूचर को भी देख कर चलना है, तो इसलिए। बाकी भाई जो टायर साइज है पिछला ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है भाई, 120/80 का मिल जाता है आपको, सीएट का ही मिलेगा 120/80 का, तो भाई हालांकि सेम हालत सी बात है भाई, पिछले वाले स्टैंडर्ड में थोड़ा छोटा आता था, इस वाले स्टैंडर्ड में भाई बड़ा आ गया है। और भाई ये देख लो भाई ये साइड स्टैंड वगैरह ये क्रोम में आ गया है, पुराने वाले में अपना भाई ब्लैक में आता था ये, और ये देख लो भाई ये जो फुट पैड है ये देख लो भाई, ये सब चीज़ें चेंज कर दिया है भाई, क्लासिक रिबॉन वाली है सब चीज़ों से याद आता है कि भाई क्लासिक रिबॉन, ये जो भाई क्लच लीवर अपना ब्रेक लीवर ये भी पूरे चेंज कर दिया भाई, ब्रोड दे दिया जैसा भाई क्लासिक रिबॉन में आते थे बड़े बड़े अपने भाई, जो स्टैंडर्ड था पहले वाला उसमें भाई अपना पतले आते थे, इसमें थोड़ा बड़े होगा। यहाँ पर आई बटन भी दे दिया है अपना भाई मीटर के लिए, इसमें भी मिल जाता है। यहाँ पर भाई नेविगेशन वाला अपना भाई एड ऑन करा सकते हो आप अगर चाहो कंपनी से एक्स्ट्रा, इसके लिए भाई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी भाई टायर जो है अपग्रेड कर दिया, पर भाई अब भी भाई आपको ट्यूब वाले टायर मिलेगा, ट्यूब प्लस नहीं मिलते इसमें, ट्यूब वाले मिलेगा दोनों टायर, ये थोड़े से भाई डिसएडवांटेज में ऐड करूँगा मैं, पर कोई नहीं भाई अपना भाई कंपनी नहीं दे रही, आगे जाकर कुछ टाइम बाद अगर स्विच करे अपना भाई शिफ्ट करे अपना भाई अपग्रेड करे इसमें तो अलग बात है, फिलहाल नहीं आ रहा है, फिलहाल ट्यूब वाले टायर आ रहे हैं इसमें तो है। ये देख लो भाई यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड ऑन करी है, ये भाई ताज है, ये भाई बादशाह के सिर पे जो ताज लगता है वाला ताज है ये लगा दिया इस पर, इस चीज़ से कंपनी ने फील कराया कि हाँ भाई अपनी जो बाइक है ना मतलब पूरा भाई किंग वाला फील देती है अपना भाई, रॉयल जो नाम है ना रॉयल एनफील्ड वो वाला फील देती है आपको। क्योंकि भाई अभी इस वाले शोरूम पर भाई टेस्ट ड्राइव वाला वेरिएंट जो है अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं टेस्ट ड्राइव भी करके दिखाता आपको, चला के बताता कैसा है। बाकी भाई ये वीडियो यहीं तक थी, ये थोड़ा छोटा सा एक वॉक अराउंड था अपने भाई न्यू क्लासिक, सॉरी आई एम सॉरी भाई, क्योंकि अपना भाई बार बार ये चीज़ें आ रही है मन में, क्योंकि भाई क्लासिक से इतनी सारी चीज़ें इंस्पायर कर दी इसमें, तो भाई क्लासिक ही निकल रहा है मुझे भी, न्यू बुलेट 2023 से अपना भाई, अपने भाई ये थोड़ा सा वॉक अराउंड था न्यू बुलेट 2023 का। आगे अगर टेस्ट ड्राइव वाला वेरियंट आएगा तो आपको भाई टेस्ट ड्राइव भी करके दिखाऊंगा मैं वीडियो में अपनी पूरी, उसके लिए आपको भाई जुड़े रहना पड़ेगा मेरे चैनल से, क्योंकि इसी चैनल पर आएगी 2-3 दिन में आ जाएगी, क्योंकि इनका कहना है 2-3 दिन में टेस्ट ड्राइव वाला वेरियंट आ जाएगा, तो इसके टेस्ट ड्राइव का
रियल रिव्यू दूंगा मैं कि भाई क्या इसमें सच्चाई है कि भाई ऑफ रोडिंग में कितनी कैपेबिलिटी है इसमें, ऑन रोड पर कैसे चलती है, माइलेज वगैरह का जहाँ तक मेरे से भाई कोशिश होगी सब करूँगा। बाकी भाई ये एक वीडियो थी, मिलता है किसी नई वीडियो में किसी नई दिन के साथ।